लोकतंत्र में जनता के साथ गद्दारी सबसे बड़ा महामारी है और ये मौत के मुजरिम सरकार, इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, बल नहीं है, जिनके कारण गंगा माँ की गोद में लाशों के अंबार पड़े हो, जिस तरह मौत का तांडव हुआ, ये मौत के मुजरिम सरकार किस मुंह से जनता को बोल रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के एक ट्वीट से, उनके नाम से ही सरकार का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के ट्वीट के कारण ही सरकार आज डबल इंजन की वेंटिलेटर पर है। सरकार के सहयोगी ही उनका पतवार जब्त किए हुए हैं आदरणीय मांझी जी। तो सरकार बचाने में परेशान है डबल इंजन की सरकार, बिहार की जनता की जान बचाने की चिंता नहीं है। अब ये लोग लालू चालीसा का पाठ करने वाले लोगों को जनता माफ़ करने वाली नहीं है। लालू प्रसाद जी ने तो पूरे बिहार के गांव का स्वास्थ्य उपकेंद्र बना करके वहां इलाज की व्यवस्था कराई, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ हम लोग दे रहे हैं। लेकिन जब सरकार को आईना दिखाया जा रहा है कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों की गांव में सब जगह क्या हालत कर दिया 16 वर्षों में, तो पेट में दर्द हो रहा है तो बौखला करके पूरी सरकार तो क्वारंटाइन हुई है, सरकार निकल नहीं सकती है जनता के बीच में। तो ये जो क्वारंटाइन फैमिली है डबल इंजन की सरकार, इनको जनता के पास तो जा नहीं सकते हैं, जनता खोज रही है, इसलिए घरों में दुब के पड़े हैं। तो लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी का चालीसा पढ़ रहे हैं। मौत का तांडव के लिए जिम्मेवार डबल इंजन की सरकार को माफ़ नहीं किया जा सकता है। लालू प्रसाद जी ने पूरे बिहार का विकास किया, सिर्फ अपने गांव का नहीं। ये लोग तो आदरणीय मुख्यमंत्री अपने गृह जिला नालंदा में तो शवों को ठेले पर ढोया जा रहा है, वहाँ तो स्वास्थ्य उप केंद्र में तबेले में तब्दील हो गया है, तो ये क्या प्रवचन करेंगे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।